गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ननू व्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस अभी हम लोग सैलून आए हैं, जैसा कि आपको पता है हम चंडीगढ़ जा रहे हैं। मासी के हेयर हो गए हैं, मम्मी के हेयर हो गए हैं, मामा अभी बने हैं गाइस आपको बताया इसने हम चंडीगढ़ क्यों जा रहे हैं वो नहीं पता चलेगा, वो तो आपके लिए सरप्राइज है। तो उसके लिए आपको स्टे ट्यून्ड रहना पड़ेगा। मैं वॉश करवा लूं, मेरा मोर बना दिया है सैलून वालों ने उसमें। लो गाइस इन्हें भी देख लो, डिसअपॉइंट हो गई उसमें, कैमरा नहीं बजाना तो डिसअपॉइंटमेंट बनना आ जाता है। तो गाइस मैंने कुछ नहीं कराया, मैं नेचुरल ब्यूटी रहता हूँ। डैंड्रफ इतना चल रहा है, किसने बोला? नहीं, ये देख, नहीं है, नहीं है, ये कोयर डैंड्रफ डैंड्रफ नहीं है। मैं कोई नहीं, डफ करूंगा। नहीं, मामा का वॉश हो रहा है, मामा मोर से नॉर्मल मामा बन रहे हैं। तो हम लोग आपको फाइनल लुक दिखाएंगे हम सब की लास्ट में, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। और चंडीगढ़ हम जिस काम के लिए जा रहे हैं तो वो आपको पता चलेगा बाद। तो बाय गाइस, जब हमारा फाइनल लुक आ चुका है तो हम लोग देखते हैं कैसा लग रहा है। फाइनल लुक देख पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट भी हो रही है। कैसा लग रहा है फाइनल लुक देख के? कैसे लग रहा है फाइनल लुक देख के? मैं तो हम लोग निकल चुके हैं सैलून से, तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट। मार्केट में क्यों जाते हैं वो तो आपको पता ही है, शॉपिंग करने। तो हम भी कुछ शॉपिंग करने जाएंगे। तो ये हमारे घर के कुछ सदस्य हैं। तो गाइस हम लोग लाइट चेंज करवा रहे हैं, तो ये रही शॉप। मैं कह रहा हूँ पार्क की चप्पलों पे तो मारो जरा। तो गाइस हम लोग रिलैक्स चलते हैं बाहर आके, कुछ ऐसा शोशागिरी नहीं करनी होती हमें कि हम शूज पहने ये ऐसे भी रो के रहा है। चप्पल बदल लो मासी, चप्पल बदल लो, मेरे को चप्पल चुप रही तो। इतनी देर से ना कलप रहा मासी, चप्पल बदल लो, चप्पल बदल लो। क्या हुआ? चप्पल चुप रही, चप्पल चुप रही, अनकंफर्टेबल, क्योंकि मेरी चप्पल अच्छी है ना। लाइट लग चुकी है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं मार्केट की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ा सा हंगामा हो रहा था क्योंकि मामा ने बहुत लेट करा दिया। तो हम लोग अभी मार्केट की तरफ जा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ हम लोग क्या शॉपिंग करें। आगे चंडीगढ़ ऐसा है क्या जो जाने के लिए सारे वो हम बाद में बताएंगे, उसके लिए आपका स्टेडियम देना पड़ेगा। आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको क्या लग रहा है, हम किस लिए जा रहे हैं। वो तो आपको रास्ते में पता चलेगा ना गाइस, मैं कुछ सही है रास्ते में नहीं, वहाँ पहुँचने के बाद पता लगेगा। हाँ वहाँ पहुँचने के बाद पता लगेगा, तो उसके लिए आपको कल का व्लॉग जरूर देखना पड़ेगा। बहुत अच्छी चीज दिखाएंगे चंडीगढ़ में। हम लोग अभी रेडी हो चुके हैं, तो हमारा 2 बजे का जाने का टाइम था और अभी 7 बज गए हैं। तो हम लोग इतने थक भी चुके हैं, 7 बज चुके हैं। पता नहीं, नो आइडिया। और हमें निकलना भी चंडीगढ़ है, ऐसा नहीं है कि आसपास निकलना है। और ये लोगों को कुछ पता ही नहीं, ये लोग अभी भी पैकिंग ही पैकिंग करते जा रहे हैं। कितनी पैकिंग करोगे मासी? हमारे गाइस एक्साइटेड है कि सरप्राइज क्या है, हम चंडीगढ़ क्या करने जा रहे हैं। पर हम तो बहुत जाएंगे। हाँ गाइस आप एक्साइटेड ज्यादा हो, पर हम ही नहीं पहुंचे अभी तक। हमारा 2 बजे का निकलने का टाइम था और 7 बज चुका है। हम लोग इतने बोर हो रहे हैं ना मामा, इनकी पैकिंग देख देख के हम तो रेडी हो चुके ऑल ओवर। नानी हम लोग का टाइमिंग क्या था जाने का? 2 बजे। और कितने बज गए?
सात बज गए सात। क्या करे, इधर देखो गाइस को हेलो कर दो। हेलो। तो गाइस अभी हम बहुत थक चुके हैं, अभी हम रास्ते में निकलते ही आपको दिखाएंगे, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड। गाइस अब हम लोग रेडी हो गए टोटली, मतलब प्रॉपर रेडी अब हम लोग हैं। मासी कुछ काम कराना था तो मासी ने किसी को बुलाया था। चले वी आर रेडी, कन्फर्म है, चलो हमारा फाइनल लुक। मम्मी का तो मैं दिखा सकता हूँ, मम्मी का मैं दिखा सकता हूँ, मैं अपना नहीं, अपना कैसे दिखाऊँ। ये मेरा फाइनल लुक है, काट लेगा। तो गाइस अभी हम निकल के आपको दिखाएंगे बाहर का रूट, तो स्टे ट्यून्ड। हम अपने घर से निकल चुके हैं चंडीगढ़ के रास्ते के लिए। तो गाइस हमें जाना था, मासी हमें कितने बजे जाना था, 2 बजे, और हम कितने बजे निकले हैं मामा, 8 बजे निकले। हाँ इतना लेट हो गया, इसने इसने मेरी बाजू मार मार के ऐसे दर्द कर मारा है। मैंने नहीं मारा, आपको लग रहा है मैं मार सकती हूँ, गाइस इतना मारती है ना कि सब पूछो मत, आपको लग रहा है मैं मार सकती हूँ। तो गाइस हमें 2 बजे दोपहर में जाना था, इनकी शॉपिंग की वजह से हम हमारे इसको लेट हो गया। हाँ जी गाइस, नहीं तो हम अभी तो पहुँच भी गए। मार सकती है हीना, मार सकती है गाइस, बताइए कि मैं मार सकती हूँ या ये मार सकती है। कभी किसी को नहीं मारती, आप सब जानते हैं। ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और नहीं, मैं हाथी नहीं हूँ ना, मैं नॉर्मल हूँ, मेरे खाने के लिए आपको लगता है मार सकती हूँ, मैं ऐसा खाने के लिए ये मारती है। आपको देख के लगता होगा मैं इतनी दुबली पतली हूँ, ये इतनी मोटी ताजी है, बल्कि ये मारती है मेरे को, देखो मेरी बाजू में दर्द कर दी है, मेरी ज्यादा दर्द हो रही है। अभी सुबह नील दिखाऊंगी आपको चंडीगढ़ के ब्लॉक के बाद। ऐसी झूठी है ये नंबर की, ऐसी लगा दे ना ना, ये झूठी है एक नंबर की, इसकी बात आप बिल्कुल विश्वास मत करो आप लोग, ठीक है, मैं बिल्कुल सच्ची हूँ। बैठ। तो गाइस हमारे सुखदेव के ढाबे पे लोग आते हैं, हमारा भी पराठे खाने का बहुत ज्यादा मन है, पर हम नहीं खा सकते क्योंकि हम हो चुके हैं लेट, है ना। हम होटल पे जाके सीधा डिनर करेंगे, होटल पे जाके, होटल या होटल, अभी होटल होटल गाइस हम होटल पे जाएंगे, रास्ते में होटल पे पहुंचेंगे हम लोग रात को 2 बजे, होटल पहुंचेंगे रात को 2 बजे, तो 2 बजे देखेंगे आपको दोबारा। भाई हम तो होटल ही बोले ना, हम तो होटल बोलेंगे। तो गाइस हम होटल पे जा रहे हैं, होटल पे। हरियाणी वाला किसको आती है, मुझे आती है, मुझे भी आती है। क्या कर रहा है तू, तू क्या कर रही है, क्या बात है, क्या करके मान नहीं की जा रही है, अब सूगली, अरे की जा रही है, सूगली कौन आई हो या मैं, ठीक है, एक सूगली एक रीटली, ये दो पैड़ा थे, दो टंगा दो टंगा दो पैड़ा। तो गाइस अमेरिकन सुखदेव आ चुके हैं यहाँ पे, लोग दूर दूर से खाने के लिए आते हैं, और हम लोग सुखदेव नहीं है, अमरीक सुखदेव है। हाँ अमरीक सुखदेव आ चुका है गाइस, सूगली भी आती है, ये रहा हमारा अमरीक सुखदेव। तो गाइस यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, पर हम लोग टाइम की वजह से नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि हम लेट हो चुके हैं, नहीं तो मेरे को यहाँ के पराठे बहुत ज्यादा पसंद है। क्या बोल रहे हो मामा, जब हम शूट से वापस आएंगे तब। ओ बांकू, इन्होंने मेरा न्यू नाम रखा है बांकू, मासी ने बांकू है ना। तो गाइस कमेंट्स में बताओ बांकू नाम अच्छा है, अच्छा ही है, मैंने नन्नू नाम अच्छा है, या नन्नू नाम है बांकू, मेरे को पसंद है बांकू। तो गाइस अब बताइए इसका नाम बांकू या नन्नू, मेरे को बहुत पसंद है बांकू नाम। और मासी के नाम बांदर या फिर प्रियंका, सुना दे कुछ जाट भाषा, सुन लो मासी, सुना दे कुछ, क्या सुना है, सुना दे कुछ भी, क्या सुनाएगी, तेरा बाल टूट गए के, और के तने हाथ आती इतनी कहन मारे, मम्मी मम्मी आई लव यू सुना दो, सुना दो मेरी जिंदगी में प्यार खोया, ठीक है, फिर के बाबा फिर के बटन आई है दुनिया में, जिंदगी में प्यार के बटन आई, फिर तो गाइस टोल आ चुका है, टोली में टोल आ गया ना, वो टोल आ गया भैन जो फास्टैग तो रिचार्ज। हम अभी कुछ स्नैक्स लेने के लिए उतरे हैं यहाँ पे, मेरी मासी क्या हो गया, भूख लग गई, भी ले लो ना, लो जब तक, अरे ना मैं भी खा रही हूँ। वहाँ पे हम स्नैक्स लेने के लिए रुके, अभी लेंगे उन्हें बस्ते में, सैंडविच नहीं खाना मुझे, मैं तो खा रही थी, मुझे नहीं पसंद, मैं तो खाया था आज, हाँ हमने दिन में खाया था वैसे, पर हम दोबारा खा लेंगे। और ये सैंडविच गलत फट गया है, गलत फट गया, और ले लो सैंडविच, और ले लो,
होटल रूम पहुंच चुके हैं, तो अभी हम लोग चेक इन करने वाले हैं। कैसे लग रहा है? हम लोग बहुत थक चुके हैं, हमारी आंखें भी सूज टाइप गई हैं। हेलो, आंखें सूज गई ना, बहुत थक गए हैं और नींद भी आ रही है। बिकॉज़ हमने मैं फ्रेश हूं, देखो हाँ हमें पता है। आजा फ्रेश तो मैं भी हूँ। तो गाइस हम निकल चुके हैं, ये रूम है बहुत अच्छा, आउटर एरिया हमारे हम लोगों का। रूम टूर भी देंगे अभी हम। सीधा वॉशरूम दिखा दे यार। बहुत थक गए ना, बहुत ज्यादा। हमारा बेड है, रूम टूर हमने दे दिया। आप आ जाओ, बस मैं चल रही हूँ, बस आप एंट्री को आ जाओ। अभी आ ही रहे हो, वो आ रहे हैं सर। हो गया हमारे रूम टू, ये हमारे ताजमहल रूम के अंदर ताजमहल आ गया। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, तो अभी हम अभी मिलते हैं, कुछ डिनर टाइप करेंगे। तो वैसे भूख तो नहीं है, इसकी नीड तो नहीं है, एसी की बंद करना है। एसी की नीड नहीं है, बंद कर देंगे। तो गाइस हमने एक चीज नोटिस किया कि यहाँ पे लिखा है वेलकम टू मिस हीना मल्होत्रा, तो उनके लिए ये वेलकम टाइप एक स्नैक्स भी है। ये जिनकी भी तरफ से, आई एम हीना मल्होत्रा, ओके। तो जिन्होंने दिया आपको, तो उनको क्या खाना चाहोगे? ये मेरे नाम से बुक हुआ है, ठीक है, और मेरे लिए बुक हुआ है। बाकी जो भी सरप्राइज है हमारा यहाँ आने का, वो आपको हम देंगे नेक्स्ट उसमें वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइस ये जो हमारा व्लॉग है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होगा। यस, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम थोड़ी देर में फिर दोबारा से करते हैं। ओके गाइस, हम जिनसे मिलने आए थे वो यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं। ये मासी भी यहाँ पे बैठे हैं, सब बैठे हैं। तो आप एक बार अपने आपको इंट्रोड्यूस कर दो। मैं आपका बड़ा भाई। हाँ, बड़े भैया। और आप? आप भी बड़े भैया। वो ज्यादा बड़े भैया, आप थोड़े से उनसे छोटे हो। तो आपको कैसा लग रहा है मेरे व्लॉग में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, और सारे भाई इसको फॉलो भी करें। थैंक यू।